सुधु में से काफ़ी लोग पूजा लॉन्चर में कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, तो वही आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सो गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ नियो फॉर्ज। अब नियो फॉर्ज क्या है, अब तुम लोग फॉर्ज के बारे में जानते हो? अब कोर्स फॉर्ज के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि उससे आप मोड्स, रिसोर्सेस, पैक, ये सभी आप ऐड कर सकते हैं अपने गेम में। तो वही सेम फीचर इसमें नियो फॉर्ज में देखने के लिए मिलता है। बट मैं आपको नियो फॉर्ज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नियो फॉर्ज बहुत पहले पूजा लॉन्चर में सपोर्ट नहीं करता था, क्रैश हो जाता था। इसके कुछ इंटरफेस जो है ओपन होने का, वो कुछ अलग है फॉर्ज से, एंड ये काफ़ी अच्छा भी है और एक बार ट्राई भी करना चाहिए आपको। बाकी इसका भी प्रोसेस सेम ही है, जैसे आप फॉर्ज को ऐड करते हैं पुजाओ लॉन्चर में या किसी भी लॉन्चर में, सेम वैसे ये भी ऐड होता है। एंड इसमें भी मोड्स आप वैसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे आप फॉर्ज में ऐड कर सकते हैं। बस इसमें अंतर क्या है कि इसका लोगो चेंज है और इसका ओपन जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और आप भी एक बार ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए लगेगा, इसलिए मैं आपको ये वाला बताया। बट अब आप इसे भी चला सकते हैं अपने पूजा लॉन्चर में, नियो फॉर्ज, जो पहले क्रैश हो जाता था पूजा लॉन्चर में, लेकिन अब भी क्रैश हो सकता है। एक दो बार क्रैश होगा, उसके बाद ये क्रैश नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, उसके बाद ये क्रैश नहीं होगा, आपको अपने डाटा को सेव करना है डाट माइनक्राफ्ट में, नहीं वर्जन के अंदर, एंड जिस भी वर्जन को प्ले कर रहे हैं उस वर्जन के अंदर। एंड नॉर्मली फॉर्ज में क्या होता था कि यदि आप वर्जन के अंदर सेव करते थे तो क्रैश हो जाता था, और इसमें आपको वर्जन के अंदर ही सेव करना है तब क्रैश नहीं होगा, और यदि आप डाट माइनक्राफ्ट में करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। बाकी आप एक बार नियो फॉर्ज को ट्राई जरूर करना अपने पूजा लॉन्चर में, काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी चलो, ये वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Bye.